अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पेपर हुआ था बलोचिस्तान प्रोवर्स में SBK थ्रू 21 मई 2023 को ये पेपर हुआ था, इसको हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड, 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 78% है, वाहिद गैस है जिसकी परसेंटेज 78% सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, वो थे बाबर, बाबर ही ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी 1526 में। नेक्स्ट है हमारे पास, शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1540 से लेकर 1545, 5 साल तक इसने इंडिया में इसने हुक्मरानी की, और शेर शाह सूरी ने 5 साल में इतने कारनामे किए जितने पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किए। इसने एक तो GT रोड बनवाया था, मुख्तलिफ किले बनवाए थे, रुपया सिस्टम जो पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ था रुपया, उसके बाद मनसबदारी निज़ाम, रोटस फोर्ट शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारे पास, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री एलियंस है, 1949 में इसकी बुनियाद रखी गई, इसमें 31 मेंबर्स शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, जो K2 है वो कराकोरम में वाक्य है, ये पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पर मतलब दूसरा हाईएस्ट पीक है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो K2 है। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच मंथ होली कुरान वाज रिवील्ड, रमजान है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पैक्ट ऑफ हुदैबिया, जो हुदैबिया हुआ था सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ था, वट वॉज द मदर नेम ऑफ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद, हु इज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सरोजिनी नायडू कायद अजम ने इसको टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 उसके बाद। एक और क्वेश्चन है, विच सूरा इज नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, सूरह रहमान है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, गजवा खैबर वाज फाउट बिटवीन, मुस्लिम्स और यहूदियों के दरमियान गजवा खैबर लड़ी गई, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन 46 है इसका राइट ऑप्शन, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, अगर डिप्लॉइड का वर्ड यूज करें तो फिर 23 है। SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। उसके बाद है, मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम का तल्लुक है किंगडम फंजाई से, डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर, जो ओजोन है ओजोन की डिप्लेशन से स्किन कैंसर की वजह बन सकती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन, ओजोन ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, वो है स्किन, अगर बात की जाए लार्जेस्ट ग्लैंड की तो उसका राइट ऑप्शन फिर होगा लीवर, जिगर, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस आप याद रखो। उसके बाद है, फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड, फ्लोएम प्लांट्स में पाया जाता है, इसका मतलब इसका जो फंक्शन है वो खुराकी तरसेल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है। उसके बाद है, हु प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1940, मौलवी फजल हक ने इसको प्रेजेंट किया था 23 मार्च को, और ये जाकर पास हुई थी 24 मार्च 1940 में। खतीबुल अनबिया इज द टाइटल ऑफ हजरत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मनी आयात्स वर रिवील्ड इन फर्स्ट वही सूरह अलक की जो 5 आयात नाजिल हुई, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाउ मनी सन्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 साहिबजादियाँ थीं। इसराइल इज द टाइटल ऑफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, इसका करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी हेड्स ऑफ ज़कात आर मेंशन्ड इन होली कुरान, कुरान जीद में जो हेड्स ऑफ ज़कात हैं वो मसाफ ज़कात वो 8 हैं, जिनका जिक्र सूरह तौबा में है। हाउ मेनी सूरज ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स फ्रॉम कुल से स्टार्ट होने वाले जो सूरतें हैं वो 5 हैं। हाउ मनी मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन गज़वा बदर, गज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे, जो गज़वा बदर 2 हिजरी में लड़ गई, जो टोटल मुसलमान थे वो 313 थे, जिनमें 14 मुसलमान शहीद हुए थे और 70 कुफार मारे गए थे। नमाज जनाजा जो है वो फर्ज किफाया है।
दी वर्ड मोहम्मद हैज बीन मेंशनड हाउ मेनी टाइम्स इन होली कुरान, जो वर्ड मोहम्मद है ये चार दफ़ा कुरान मजीद में आया है, जो वर्ड अहमद है वो एक दफ़ा आया है सूरह अलसाफ में अहमद आया है। उसके बाद है व्हेन हज बिकेम ओब्लिगेटरी, जो हज है वो 9th हिजरी में फ़र्ज हुई। विच प्रॉफिट्स प्रोफेशन इज टेलर, दर्जी का काम कौन से पैगंबर करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उसके बाद नमाज़ खसूफ जो चांद गिरन होती है उसी वक़्त पढ़ी जाती है नमाज़ खसूफ। उसके बाद जिब्राइल हैज़ बीन मेंशन, जो वर्ड जिब्राइल है वो कुरान मजीद में 3 दफ़ा मेंशन है।